हे गाइज ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग। गाइज दिवाली देखते देखते कितनी नज़दीक आ गई, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और मैंने सोचा कि आपको इसके ऊपर एक एडिटिंग का वीडियो ला दें एंड आपको सिखा दें, क्योंकि दिवाली का ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आप भी अपनी फोटो को दिवाली कॉन्सेप्ट की एडिटिंग कर पाओ और ये बहुत ही आसान है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप इजीली सीख जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। एंड हाँ गाइस, वीडियो को मैंने जो भी इसमें चीज़ यूज करा है बैकग्राउंड पीएनजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे देख पा रहे हो कि गैलरी के अंदर से हमने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। तो गाइस, इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सिंपल सी एडिटिंग होने वाली है, मतलब थोड़ी सी भी हार्ड नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले गाइस, इस बैकग्राउंड को यहाँ से सेंड कर देंगे, देन इस फोटो को हम ओपन कर लेंगे पिक्सा टैप के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास ये रहा पिक्सा टैप। तो गाइस, पिक्सा टैप के अंदर इस फोटो को आपको ओपन कर लेना है, देन इसको रिसाइज आपको कर लेना है, ठीक है। तो हम इसके साइज को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम 6000 डालते हैं, देन यहाँ पे हमें 2340 डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2340 डाल देते हैं, देन यहाँ से इसको डन। देन गाइस, आप देख पा रहे हो कि ये रिसाइज हो गया। देन अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, देन आपको गाइस यहाँ से आपको एक ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, ऐड फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको सिंपली यहां से आपके मॉडल के पिक को ऐड करना है। आपको याद रहेगा इसकी बैकग्राउंड पहले इरेज कर लेना है, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम वीडियो बना देंगे, या फिर हमने ऑलरेडी भी वीडियो बनाया हुआ है कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। तो आपको अपने मॉडल के पिक को यहाँ पर ऐड कर लेना है, हमने बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज करके रखा था तो इसलिए मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको ऐड करना है एंड यहाँ पर आपको सेट कर देना है ऐसे। तो गाइज, हमने यहाँ पे लगभग इतना सेट कर दिया। तो सेट कर देने के बाद आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो तो अभी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है। कैसे करना है, यहाँ से पहले सिंपली डन कर देना है आपको। देन गाइज, यहाँ से आपको टूल्स पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट जो है इसे आपको थोड़ा सा इनक्रीज़ करना है, लगभग इतना। एंड यहाँ पर आपको इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेना है, एंड यहाँ पे शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, लगभग इतना। इतना हो जाने के बाद गाइस, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इरेजर पे, अब यहाँ से इरेज को क्लिक करना है। फोटो को आपको अपना जूम करना है, कुछ इस तरीके से गाइस आपको अपने फेस से इरेज कर देना है, ठीक है। तो गाइस, हम यहाँ से फेस से इरेज कर देते हैं एंड हैंड से भी आपको कुछ इस तरीके से ही इरेज कर देना होगा, ठीक है। तो हम फेस एंड हैंड से कुछ इस तरीके से इरेज कर दिए, आपको भी इरेज कर लेना होगा। अब आप देख पा रहे हो गाइस कि प्रॉपरली फोटो, मतलब ऐसा लग रहा है कि मॉडल यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब बिल्कुल ही ओरिजिनल लगना चाहिए, ठीक ना, फेक नहीं लगना चाहिए। इसकी हाइलाइट्स हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, लगभग यहाँ पे इतना, क्योंकि आपको भी पता है कि दिवाली के समय में सब कुछ मतलब कितना कलरफुल रहता है और हाईलाइटेड रहता है। तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा जो है हम कम करते हैं, लगभग इतना, एंड बैकग्राउंड को यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं करते हैं, इतना सही है। एंड यहाँ पर गाइस सिंपली आपको डन कर देना है, ठीक है, इतना काम कर लेना है। अब आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे गाइज आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना है, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको इधर की ओर आना है, HDR वाला इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो HDR2 हमने कर दिया, देन इसकी फेड को आपको लगभग इतना बढ़ा देना है। अब आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे गाइज की फ़ोटो कितना अच्छा हो गया। आप फोटो में फेस को थोड़ा स्मूथ करना है, इसके लिए हम ब्यूटीफाई ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम स्मूथ पर क्लिक कर देंगे एंड ओवरऑल सारे कुछ रेडी हो गए। अब यहाँ से इसकी अमाउंट थोड़ा सा कम कर देंगे, लगभग 10% रखेंगे एंड यहाँ से इसको डन कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस, जब इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना है, आपको एक लाइट का PNG ऐड करना है, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो लाइट का PNG कहाँ है, हम देख लेते हैं। एंड गाइस, ये वाला लाइट का PNG आपको ऐड कर लेना है, देन इसको आपको ब्लेंड को स्क्रीन कर लेना है, ठीक है, लगभग इतना। एंड आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना है ताकि इधर से लगे कि लाइटें आ रही है, कुछ इस टाइप से। एंड इसका एक और डुप्लीकेट आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है, और इसको इस तरीके से सेट करना है, ठीक है, लगभग इतना। एंड इसकी ओपेसिटी लगभग इतना रखना है, ठीक है। एंड अभी आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो कितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगने लग गया है, सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो ओवरऑल अच्छी हो चुकी है, मतलब अब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रह गई है। अब आपको सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर गाइज चलना है,
एंड आप चाहो तो यहाँ पे शैडो भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको शैडो क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसकी आपको ब्लैक कलर आपको ले लेना है कुछ इस तरीके से, ये आपको एक चला देना है ऐसे। मैं दूसरा ब्रश ले लेता हूँ गाइस, ये वाला ब्रश आपको ले लेना है। एंड इसकी साइज़ को लगभग इतना रखना है, ओपेसिटी थोड़ा कम रखना है एंड हार्डनेस को तो आपको बहुत ही कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हमें सही लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको कर लेना है, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे ये बिल्कुल भी ओरिजिनल लगने लगा, ठीक है। ये एक नए लेयर पे काम हो रहा है, तो सिंपली इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे एंड इतना रख देंगे। अभी आप देख पाओगे बिल्कुल भी फेक नहीं लगेगा। सिंपली इसको अब हम लेयर को मर्ज कर लेंगे एंड यहाँ पे इसकी हार्डनेस को बिल्कुल ही 1% कर लेंगे, ओपेसिटी को भी 1% कर लेंगे लगभग इतना, 1 या 2% कहीं पे ड्रॉ करके ऐसे। एंड इसके बाद 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड सेव इमेज कर लेंगे। ये फोटो गाइज हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गई एंड काफ़ी ईजी तरीके से आपने मतलब देखा गाइज, काफ़ी ईजी तरीके से हमने इस फोटो को एडिट कर लिया एंड बहुत आसान था ऐसे एडिटिंग करना। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑन कर लीजिए। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।